चलो गुड़िया बात कर रहे, किसकी बात कर रहे थे, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे ना। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा बात करें निकालने का फॉर्मूला को क्या निकालो था, जैसे कि सबसे पहले अपने देखे थे मॉलिक्यूल में एमओटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर, जैसे N2O2 देखा था ना। सेकंड नंबर पर आयनों का बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या बोला, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू एटम इन बेटा बात करें ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू एटम इन गुड़ा बात करें ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन क्या करना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब जितने किसी आयन की अनुनादी संरचना बनी वो नीचे रखो, ऊपर बेटा बात करें सभी अनुनादी संरचना, जैसे मैंने आपको कार्बोनेट का दिया बेटा यहाँ पर, तो कार्बोनेट के अपने कितने बनाए, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किन्हीं भी दो एटम, अब आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो लोगे नहीं, तो आप किसी भी ऑक्सीजन और कार्बन को पकड़ लो, जैसे मैंने फर्स्ट ऑक्सीजन और कार्बन को पकड़ा, आप सेकंड ऑक्सीजन कार्बन को ले सकते हैं या फिर थर्ड ऑक्सीजन और कार्बन को ले सकते हैं। तो किसी भी गुड़े बात करें एक ऑक्सीजन और कार्बन को सभी गुड़े बात करें रेजोनेंट स्ट्रक्चर में इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड का नंबर काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू एटम इन ऑल रेजोनेंट स्ट्रक्चर। कार्बोनेट के 3 रेजोनेंट स्ट्रक्चर हैं, तो मैंने बेटा बात करें जैसे फर्स्ट को पकड़ा, फर्स्ट ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पहले 2 बॉन्ड, सेकंड स्ट्रक्चर में बेटा बात करें हमारे पास फर्स्ट ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड, थर्ड रेजोनेंट स्ट्रक्चर में कार्बन और बेटा बात करें फर्स्ट ऑक्सीजन के बीच में कितने आए, 1 बॉन्ड। तो टोटल कितने हुए, 2, 1, 1, मतलब 4/3। तो 4 तो बेटा बात करें बॉन्ड है और 3 क्या है बेटा बात करें हमारे पास नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 4/3, ये मतलब क्या है बेटा बात करें 1.33। सेकंड नंबर पे बेटा बात करें वो आपसे क्या पूछता है, तो पहली बात ये है कि कार्बोनेट जो है उसकी कितने बेटा बात करें क्या बनेगी, रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगी। तो पहले आप रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेंट स्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, जो सेंट्रल एटम होता है सेंट्रल, जैसे इसमें कौन है जो कम नंबर में है, कार्बन, तो कार्बन को लो और बाकी जो ऑक्सीजन होते हैं वो यहाँ पे बैलेंस एटम होते हैं, तो फिर बुरे बात के 3 ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ दो। बाकी आपको ये बताया ही था कि बेटा बात करें जब भी आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखते हो, तो जैसे अपने यहाँ लिखा है लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, सेकंड नंबर को उसकी क्या लिखी थी बेटा बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें से बेटा बात करें आप क्या करो, 2 कम कर दो तो उसकी क्या जाती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे लिथियम में से 2 हटा दो तो उसका क्या गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, अगर एटॉमिक नंबर 3 तो भरोगे क्या भरोगे, फर्स्ट एस टू 2s1, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में और हमें मतलब किससे आउटरमोस्ट शेल, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे जब इसका भरोगे बेटा 4 का फर्स्ट एस टू 2s2, फर्स्ट सेल के अंदर हटाओ वो काम की नहीं है, केवल किसी एटम के बेटा बात करें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे अगर कोई भी एटम के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है या बेटा उसकी केमिकल रिएक्शन करानी है, तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी कंडीशन बताई थी कि जो एलिमेंट होता है वो तब स्टेबल होता है बेटा बात जब उसका ऑक्टेट पूरा होता है, ऑक्टेट का मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो हर एटम ये कोशिश करता है, सो जो कार्बन सिंगल क्यों नहीं है, कार्बन के फॉर्म में क्यों आया, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। जैसे आपने लिखा बेटा बात करें यहाँ पे कार्बन का देखो बेरिलियम का टोटल नंबर ऑफ बेटा बात का इलेक्ट्रॉन कितने, 4, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में कितने, 2। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 पर उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है अंदर वाले सेल फर्स्ट सेल में, वो मेरे काम की है नहीं। तो अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड, मतलब बैलेंसी बेटा सेल कौन सा, सेकंड। तो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे जो सेकंड पीरियड में होंगे, ठीक है। और बेटा बात करें इसलिए आपसे ये कहा है कि अगर कभी किसी एटम का सेकंड पीरियड के एटम का एटॉमिक नंबर आपको पता है उसमें से 2 आप हटा दो, मतलब अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो सब क्या होंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें से बस एटॉमिक नंबर से 2 कम करते जाओ, 3 में से 2 कम हुए 1, 4 में से 2 कम करो 2, 5 में से 2 3, 6 में से 2 माइनस करो 4, 7 में से 2 माइनस करो 5, 8 में से 2 माइनस करो 6, 9 में से 2 7 और बेटा बात करें 10 में से नियॉन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10, लेकिन इनर मोस्ट सेल फर्स्ट सेल में कितने 2 होते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं 8। नियॉन हो बेटा बात करें आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन रेडॉन 18 ग्रुप का कोई भी एटम हो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में है इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट इसका मतलब वो एलिमेंट स्टेबल होता है, वो किसी दूसरे अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं बनाता। लेकिन वहीं पर अब बात करो फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बेटा 1 की जरूरत है तो वो 1 बॉन्ड बनाता है। तो पहले मैंने आपको एलिमेंट लिखे, फिर उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे, फिर गुड़े बात करिए बताया कि उनकी बैलेंसी क्या होती है। बैलेंसी का मतलब वो कितने बॉन्ड बनाते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। अब सोचो जैसे लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कोशिश करेगा कि उसके एड करने के लिए वो भाई बॉन्ड बना पाए, पर आपके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है आप 1 ही बॉन्ड बना पाओगे, ऑक्टेट आपका तब भी पूरा नहीं होना है।
इसके आउटर मोस्ट में टू इलेक्ट्रॉन है, टू बॉन्ड बनाओगे, इसके आउटर मोस्ट में थ्री इलेक्ट्रॉन है, थ्री बॉन्ड बनाओगे। अगर कार्बन के आउटर मोस्ट में फोर है तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, फोर। सोच पा रहे कैसे, कार्बन के आउटर मोस्ट में अगर फोर बेटा बात कर इलेक्ट्रॉन है, एट करना है तो बेटा बात करे वो फोर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बस समझ पा रहे। ताकि जब बॉन्ड बने तो अगले वाला एटम जो आने वाला अपकमिंग एलिमेंट है वो भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, अपकमिंग एलिमेंट देगा। तो टोटल कार्बन के हमारे पास कितने बेटा बात का इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एट। समझ पा रहे। अब जैसे बोरोन की बात करो, बोरोन की आउटर मोस्ट बेटा बात का थ्री इलेक्ट्रॉन है, पर वो एट करने के लिए बॉन्ड बना ही कितना सकता है, थ्री बना सकता है, समझ पा रहे हो। चौथा बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, ऐसा क्यों, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन है। जब बॉन्ड बनता है बेटा दो एटम के बीच में, जैसे अपन ने ये बोला कि ये बी है बोरोन है, और वो कार्बन के साथ किसी भी माना कि हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें कौन देगा, हाइड्रोजन देगा। ऐसे दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन देगा इसमें, ये एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या अभी बोरोन की एट इलेक्ट्रॉन हो पाए, नहीं हो पाए ना। इसका मतलब अगर बॉन्ड बनाने के बाद भी आपके एट इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, लुईस एसिड। आप बोलो कि इसने ऑक्टेट पूरा क्यों नहीं किया, बाकी बॉन्ड चौथा एक और बॉन्ड बना दो। बॉन्ड तो दीदी बात कर अपन बना देंगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, पर इस हर बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम को देना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन आ जाएगा, पर बोरोन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब ये बॉन्ड नहीं बन सकता। तो तीन बॉन्ड ही क्यों बनाए बोरोन ने, क्योंकि आपको पता है बोरोन के पास आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन ही थे, बॉन्ड बनाने के बाद भी उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। ऐसे बेरिलियम कितने बनाएगा, दो बनाएगा, लिथियम कितने बनाएगा, एक बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ दो, यहाँ तीन, कार्बन के चार बनेंगे। कार्बन के चार बॉन्ड बनते ही उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, देखो हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एट इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ। जैसे बेरिलियम इसकी बात किया अपने BH3, तो BH3 में सिक्स इलेक्ट्रॉन हुए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बॉन्ड बनने के बाद भी गुड़े आठ नहीं हो पाए, इसको बोलते हैं लुईस नंबर, लुईस एसिड। यहाँ पे देखिए कार्बन के एट इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं गुड़े बात करें बॉन्ड बनने के बाद, इसके पास एक्स्ट्रा भी नहीं है और बेटा बात करें कम भी नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड। अब जैसे नाइट्रोजन पास आया, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा बात करें बताओ, फाइव, फाइव थे, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने की रिक्वायरमेंट थी इसको, तीन की, इससे वो तीन बॉन्ड ही बनाता है। तो अपने क्या बोला था, जो बैलेंस थी बेटा बात कर हमारे पास होती है नाइट्रोजन की वो थ्री होती है। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स, उसको जरूरत कितने की, दो की, तो बेटा बात के सिक्स इलेक्ट्रॉन थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दो की जरूरत से दो बॉन्ड ही बनाता है, इसका मतलब ऑक्सीजन की बैलेंस टू है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बात कर रहे हैं, सेवन, एक की रिक्वायरमेंट है तो एक बॉन्ड ही बनाता है वो, इसकी बैलेंस क्या लिखी आपने, वन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में सेवन इलेक्ट्रॉन थे, टू फोर सिक्स और वन सेवन, एक की जरूरत है इसलिए एक बॉन्ड बनाया, तो बेटा बात कर क्या लिखा आपने, इसकी बैलेंस की वन है। नियोन के आउटर मोस्ट में एट इलेक्ट्रॉन है, उसको जरूरत ही किसी की नहीं है, तो एक भी बॉन्ड नहीं बनाता, उसकी बैलेंस क्या लिखी आपने, जीरो। बैलेंसी का मतलब होता है बेटा बात करें आप कितने बॉन्ड बनाते हो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये बेचारे एक बॉन्ड ही बना पाए। अच्छा एक चीज और याद रखना, बॉन्ड आप उतने ही बना पाओगे पूरे बात जितने आपके पास लगभग इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हर बॉन्ड में आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो ये एक बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि इसको एक की जरूरत है, बात समझ पा रहे हो, एक बॉन्ड बनते इसके आठ हो रहे। ऐसे नहीं कि बॉन्ड नहीं बना सकता, बना सकता था, बना सकता था ना, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन इसके पास है, बना सकता था, नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड बनते इसके आठ हो रहा है, आठ होते बेटा बात करें आपको पता है कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और दूसरी बात ये अपने ऑक्टेट का अलाइनमेंट नहीं कर सकता फ्लोरीन, इसके नीचे का क्लोरीन ब्रोमीन कर सकता था, क्योंकि सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड में मतलब सेकंड पीरियड में क्या होते हैं, दो ही सबसेल, एस और पी। अब सोचो बेटा आठ आ गए, दो एस में अगर और पी में छह आ गए, आठ से तो नहीं रख पाओगे ना। तो अपन ने क्या लिखा था, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है नॉट बेटा बात एनलार्ज देयर ऑक्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बेटा बात करके वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती, इसलिए ऑक्टेट का एनलार्जमेंट नहीं करते। लेकिन ये एक ही बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसको एक की जरूरत है। वहीं पर आप इसको देखो लिथियम को, ये एक बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही है, ये तो बना सकता था, आठ की जगह इसके पास भी है, पर गुड़िया हर बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं चाहिए, तो आठ इलेक्ट्रॉन अगर आपको रखें तो चार इलेक्ट्रॉन आपके पास कम से कम होना चाहिए। ये एक बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही है, और ये एक बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि इसको एक की ही जरूरत है, ये तो बना नहीं सकता, समझ पा, इसको जरूरत है ही नहीं बनाने की। अच्छा यहाँ पे देखो बेरिलियम दो बॉन्ड बना रहा है, क्यों, क्योंकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट में दो ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसको छह चाहिए। दो बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके गुड़े बात कर पता है आठ होंगे नहीं, पर बेचारा बना ही कितना सकता, दो ही बना सकता, दो ही इलेक्ट्रॉन है। वहीं पर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन गुड़े बात करें भी दो बॉन्ड बनाता है, देखो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने, छह इलेक्ट्रॉन थे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहीं बोरोन को देखो आप, उसके आउटर मोस्ट में तीन थे, तो वो तीन बॉन्ड ही बना रहा है, वो चौथा बनाना चाहता था पर चौथा बनाने के उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। लेकिन गुड़े बात कर वहीं पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में पांच है, उसको तीन की जरूरत है, इससे वो तीन बनाता है, और तीन बना के उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। फिर अपन आते किसके ऊपर, कार्बन के पास, उसके आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन है और वो चार बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे इनके बॉन्ड बनने के बाद ही
इनका बुरी बात प्रॉफिट पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन हमें इससे फर्क भी कहां पड़ता है, हमें तो फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने बॉन्ड या तो बना सकते हैं या बना रहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप जितने बॉन्ड बनाओगे भाई आपकी क्या कहलाएगी, बैलेंसी कहलाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? बैलेंसी का मतलब क्या होता है, कोई एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, बात समझ पा रहे? और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आपके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, बात समझ पा रहे? अगर आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, एटमिक नंबर में से बस दो दो कम करते जाओ सेकंड पीरियड में, समझ पा रहे? अब जो बैलेंस की पूरी बात करें यहां पर आ जाएगी, उसके बाद पूरे बात में क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नेक्स्ट, अगर आपसे कहा था पूरे बात करें कि देखो ये कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट में सेंट्रल एटम कौन था बेटा, कार्बन था, कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, फोर थे, ठीक है, बाकी तीन ऑक्सीजन को जोड़ो, तीन ऑक्सीजन को जोड़ दो, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ये दिखी रहा है आपको, टू बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी टू बैलेंसी है, छह इलेक्ट्रॉन होते दो की जरूरत है, एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड क्यों बनाता है कि उसके आउटरमोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्सीड करना तो चार बॉन्ड बनाता है, तो चार बैलेंसी है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ निगेटिव भी तो है कार्बोनेट के ऊपर। अब अगर बेटा बात करें एक से ज्यादा टाइप के, मतलब टू या मोर देन टू टाइप के एटम हो, तो निगेटिव चार्ज अपन जनरली किस पर लेते हैं, निगेटिव एटम पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर दो एटम कभी बेटा आपस में जुड़े हुए हैं पेरियोडिक टेबल में, लेफ्ट और राइट वाला, तो हमेशा राइट वाला एटम क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो वो लेफ्ट एटम वाले इलेक्ट्रॉन को खींच देता है। अगर कभी बुरे बात करें बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे दो एटम के बीच में होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, मतलब देखो जैसे अपने बॉन्ड यहाँ पे किसके बीच में बनाया, कार्बोनेट में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन राइट में है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब कार्बन क्या बेटा बात कर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बस समझ पा रहे हो। अब आपने ये देखा इसका मतलब दो नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव दो ऑक्सीजन के पास जाएंगे, एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में गुड़े आपने अभी कहा था छह इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पर दो नेगेटिव है इसका मतलब दो ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेते हैं, अगर सोचिए ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास कितने हो गए सेवन, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके ऊपर क्या गया एक नेगेटिव चार्ज, और अब इसको कितने की जरूरत है केवल एक बॉन्ड की, इसलिए एक बॉन्ड ही बनाएगा। तो आप ये देखो कि कार्बोनेट में जो ऑक्सीजन बेटा जिनके ऊपर मैंने नेगेटिव लिखा है उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो रियल में ऑक्सीजन ही बचते हैं, वो फ्लोरीन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी तो कितने थे सेवन थे कि नहीं थे, अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे सेवन, तो फिर वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो जिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, बाकी जिनके ऊपर नेगेटिव नहीं है वो डबल बॉन्ड बनाते हैं। तीन ऑक्सीजन थे, दो को मैंने एक एक नेगेटिव दिया, दोनों सिंगल बॉन्ड बनाया, जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव नहीं है उसने डबल बॉन्ड बनाया। अच्छा अब तुम्हें दूसरी बात है बेटा, तो इस तरीके से बॉन्ड बन गए, कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, बाकी दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन चार बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके, और उसका बेटा बात करें ऑक्टेट भी पूरा हो चुका है 2, 4, 6, 2, 8। लेकिन जब बुरे बात करें कभी दो आइटम के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, सिग्मा होता है, लेकिन अगर डबल बनता है एक सिग्मा एक पाई, पाई बॉन्ड जो होता है बुरे बात करें वो बिग बॉन्ड होता है, वो घूमता है इस एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम पर घूमता रहता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो कभी घूमता नहीं है, मतलब वो कैसा होता है लोकलाइज्ड होता है, वो एक जगह रहता है, वो डी लोकलाइज नहीं होता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो बिग बॉन्ड होता है, वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर घूमता रहता है, इसको बोलते हैं अपन क्या डी लोकलाइजेशन। जैसे अपन ये कहें ये फर्स्ट ऑक्सीजन सेकंड ऑक्सीजन थर्ड ऑक्सीजन, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, लेकिन अगर मैं इसको बोलूं ये पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कभी फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ है कभी सेकंड ऑक्सीजन के साथ आ गया, फिर बेटा घूम के कहां जाएगा थर्ड ऑक्सीजन के पास आएगा, फिर घुमाओगे तो फिर से फर्स्ट पर आ जाएगा, इसका मतलब अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो इसका ही रिपीटेशन हो जाएगा, बस समझ पा रहे हो। इसका मतलब बेटा बात करें कार्बोनेट की केवल तीन रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, तीन रेजोनेंट स्ट्रक्चर पूरे कैसे बनते हैं अगर ये भी तुम्हें नहीं आता है तो इतना याद रख लो इस कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन है तीन ऑक्सीजन, मतलब जितने ऑक्सीजन है उतने ही रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनने खत्म, ऑक्सीजन कितने हैं तीन है तो कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनने तीन बनने फिनिश करो, बात समझ में आ रही है कि नहीं यार? रेजोनेंट स्ट्रक्चर निकालना टफ नहीं है। अब नेक्स्ट आता बेटा बात करें इन तीनों की प्रॉपर्टी, कभी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोनेट की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए इन तीनों को मिलाकर के अपन ने क्या बनाया बेटा एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये जो तीन बने इनको अपन बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहली बात तो कार्बोनेट के कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, थ्री रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। इन सभी तीनों रेजोनेंट स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी अगर मैं एक स्ट्रक्चर में लिखना चाहूं तो जो बेटा बात करें एक स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, संकरित संरचना। अगर अपन इस देखें बुरे बात करें वो कैसे बनता है, इन बुरे बात करें कार्बोनेट को उठा के लिखो वहां पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड जो है बेटा बात में जो घूमते नहीं उसको सिंगल सिंगल अपन ने बना दिया रेड कलर से, लेकिन एक जो पाई बॉन्ड है वो घूमता है तीन जगह, तो याद है बेटा वो पाई बॉन्ड कभी थर्ड कार्बन का है
कभी सेकंड कार कभी सॉरी मुझे थर्ड ऑक्शन का है, कभी सेकंड ऑक्शन का है, कभी फर्स्ट ऑक्शन का है। इसका मतलब वो पाई बॉन्ड एक का नहीं है, वो तीनों का है। तो तीन जगह बांट दो। अगर एक पेटा बात करें पाई बॉन्ड को मैं तीन जगह बांटूं तो एक हिस्से में कितना आएगा 1/3। 1/3 को सॉल्व करो कितना 0.33। तो सिग्मा बॉन्ड सबका लिख दो, पाई बॉन्ड को बेटा बात करें 0.3 के हिसाब से दे दो। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड का नंबर। सिग्मा बॉन्ड सिंगल है और बेटा पाई बॉन्ड 0.3 आ गया, मतलब 1.33 क्या आ गया बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब कार्बोनेट में किन्हीं भी गुरे बात करें दो एटम को पकड़ लो, इस कार्बन सॉक्शन, इस कार्बन सॉक्शन या इस कार्बन सॉक्शन को, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1.33 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात कर हमको देखना है चार्ज। अच्छा आपने देखा गुटे बात का जो -2 चार्ज है वो भी जैसे मैंने पहले स्ट्रक्चर में 2 और थर्ड ऑप्शन को दिया। इसके बाद जैसे पाई बॉन्ड घुमा, आपको पता जिस पर पाई बॉन्ड है उसके ऊपर नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो बेचारे सिंगल बॉन्ड है उन पर नेगेटिव आ रहा है। तो अगर पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया सेकंड ऑप्शन के पास तो नेगेटिव कहाँ रहेगा, थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर। अगर बेटा बात कर पाई बॉन्ड थर्ड ऑप्शन पर आ गया तो नेगेटिव कहाँ होगा, फर्स्ट और सेकंड पर रहेगा। मतलब सीधी सी बात है जो नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड घूम रहा है। तो नेगेटिव चार्ज जो है बेटा बात करें वो एक स्ट्रक्चर में देखोगे दो ऑक्सीजन पर आया, चाहे गुटे बात करें हमारे पास किस पर हो, फर्स्ट और सेकंड पर हो, चाहे गुटे बात करें किस पर हो बेटा बात करें जल्दी बोलो, फर्स्ट और थर्ड पर हो, और चाहे बेटा बात करें सेकंड और थर्ड पर हो। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो तीनों ऑक्सीजन पे बेटा बात करें क्या हो रहा है, बट रहा है। तो दो नेगेटिव है पर आपको बांटना तीन जगह है तो कैसे बटेगा, अगर -2 चार्ज है और बटना तीन ऑक्सीजन में तो तीन का भाग लगा दो कितना आएगा जल्दी बोलो, -2/3 मतलब माइनस का 0.66 बोलो। इसलिए स्ट्रक्चर में अपन ने क्या चार्ज लिखा, एक ऑप्शन का -2/3 या फिर माइनस का 0.66। चार्ज को बांट दो और बेटा बात करें क्या टोटल बॉन्ड को बांट दो, तो जो बेटा बात करें हमारे पास रिजल्टेंट बॉन्ड नंबर आती है, रिजल्टेंट चार्ज आता है वो कहलाता है बेटा यहाँ पर क्या हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अच्छा ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर आपको दीदी बात करें रटने वाली बात चाहिए, आपको लगता है कि मुझे तो थोड़ा सा बिल्कुल फॉर्मूले वाली बात बताओ, वैसे तो इनमें फॉर्मूले की जरूरत होती नहीं। अगर आपको केवल बैलेंस ही का नॉलेज है थोड़ा सा तो आप ऐसे निकाल दोगे, इसमें इनकी जरूरत ही नहीं। लेकिन जनरली जो टीचर पढ़ाते हैं या फिर बुक में लिखा होता है या बुरे बात कर अपन बुक्स को पढ़ते हैं फिर हमें भी फॉर्मूले रट जाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैंने भी फॉर्मूला आपको लिख रखा है, मैं तो ये कभी नहीं चाहता कि आप इसका यूज़ करो, करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए तो लिख लो। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जैसे कार्बोनेट के अपन ने क्या देखे, तीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है 1, 2, 3, उनमें से गुड़े बात करें कोई भी ऑक्सीजन और कार्बन पकड़ लो। अब आप सेकंड ऑक्सीजन और कार्बन पकड़ो तो सिंगल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया। दूसरे स्ट्रक्चर में गुड़े बात करें दो बॉन्ड थे यहाँ पर, एक और दो तीन हो गए, और बेटा थर्ड में कितना था एक बॉन्ड, तो चार बॉन्ड हो गए, वही आया 4 बॉन्ड हो गए। और कितने स्ट्रक्चर है, तीन स्ट्रक्चर रेजोनेटिक। नीचे क्या लिखना था, नंबर ऑफ गुड़े बात करें क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो वो अपने 3 करते हैं, 4/3 मतलब 1.33। फॉर्मल चार्ज बोलते बेटा बात करें जो टोटल चार्ज है इस आयन का, उस टोटल चार्ज में से पूरे बात करें एक नेगेटिव एटम पर कितना चार्ज आ रहा है। मतलब अगर मैं देखें कार्बन ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन मोर लिक्विड नेगेटिव है तो जो नेगेटिव आएगा वो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, लेकिन एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा रिजल्टेंट, तो वो गुणे निकालने का फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज या बेटे बात करें इफेक्टिव चार्ज। ऑन बेटे बात करें एनी वन ऑक्सीजन एटम या ऑफ एनी वन ऑक्सीजन एटम अगर निकालना है तो कैसे करना है, टोटल वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज, टोटल बेटे बात करें चार्ज रखना आपको नेगेटिव, और जो है अब उसको कितनी जगह बांटना है, जितने ऑक्सीजन आइटम होंगे जितने नेगेटिव आइटम होंगे उतनी जगह बांट दो। जैसे कार्बोनेट में आपने देखा पूरे नेगेटिव कितना था -2, और कितनी जगह बटा बेटा बताओ, तीन जगह है, तो अपने कितना किया -2/3 कर दिया। -2/3 करोगे तो कितना आ रहा है 0.66, और वो अपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ बता रखा है फॉर्मल चार्ज निकालना है -2/3, फॉर्मूला वहाँ है यहाँ लिख लो। कॉमन सेंस की बात दीदी बात कर जरूरत पता है फॉर्मूले की जरूरत यही दिख रहा था कि दो नेगेटिव है बट तीन जगह रहा तो एक हिस्से में कितना आएगा 2/3 मतलब 0.66 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, जरूरत बिल्कुल भी नहीं उन फॉर्मूले की। आप यही देखो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तुम्हें सिंपल तरीका बताऊं, किसी कंपाउंड के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बनेंगे जितने उसमें ऑक्सीजन एटम है, जितने ऑक्सीजन एटम आए किसी भी आयन में उतने उसके बोल दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपको देखने बेटे बात करें हमारे पास बॉन्ड कितने होंगे, क्या देखने बॉन्ड कितने होंगे, तो आप ये देखो बेटे बात करें कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, चार, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं चार, टोटल बॉन्ड कितने हैं चार, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही स्ट्रक्चर बना लो ना उसमें, एक से ही काम हो जाएगा आपका। अगर आपको गुड़े बात करें बॉन्ड ऑर्डर चाहिए केवल ये बना दो, आगे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। कैसे निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर, देखो अब दूसरा तरीका बताऊं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो एक ही स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड है, चार बॉन्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड चार। और गुड़े बात करें कितने ऑक्सीजन एटम है, कितने बैलेंस एटम है, तीन, तो कितने बेटा तीन, 4/3 करो कितना आगे 1.33, आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। कैसे निकल सकता है, मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जितने गुड़े बात करें ऑक्सीजन बैलेंस एटम है वो तो बोल दो उसके क्या
रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो अगर कभी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, ऑपिटा कार्बोनेट ऑक्सीजन 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है फिनिश का, अब वो बोलते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना दो आप, स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है ना, क्यों, कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, दो सिंगल सिंगल से जुड़ जाएंगे, चार बॉन्ड हो गए टोटल। तो करना क्या बेटा, एक ही स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, जितने बॉन्ड दिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन वन ग्रुप बात करें क्या स्ट्रक्चर, तो बॉन्ड कितने हैं 4। फिर दूसरी बात, नीचे क्या उठाना है आपको, ये जो ग्रुप बात करें पता है, चार बॉन्ड है वो कितनी जगह बैठे, 3 ऑक्सीजन के साथ, मतलब कितने बैलेंसी एटम है, 3 है, तो ग्रुप बात के नीचे क्या कर दो, 3, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ बैलेंसी एटम, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्या बैलेंसी एटम, इतना सा करना और कुछ करना ही नहीं है, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, चलो और सिंपल बताता हूँ, बुरे बात करें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कितने तरीके से निकाल सकते हैं, कई तरीके से, कार्बन की बैलेंसी कितनी है 4, तो बुरे बात कर बस फिनिश करो, सीधी बात है कार्बन की बैलेंसी कितनी है 4, तो 4 अपॉन बेटा कितने ऑक्सीजन है 3 है, ठीक है, तो सेंट्रल एटम के क्या पकड़ो बैलेंसी, ठीक है, और नंबर ऑफ बेटा ऑक्सीजन एटम मतलब क्या बैलेंसी एटम, क्लियर है, तो 4/3 करो तभी कितना आएगा 1.33, जरूरत नहीं तुम उतने की, ठीक है, वो तो लिखाने का होता तो मैंने लिखा दिया, पर क्या कहा था बिना पेन चले आंसर आ जाएगा, अपन फॉस्फेट के साथ यही करने वाले हैं, ठीक है, तो गुड़े बात करें हमारे पास ये आ गया फॉर्मल चार्ज। अच्छा फिर नेक्स्ट आपसे ये कहा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड़े बात करें बॉन्ड्स इज आर प्रेजेंट इन कार्बोनेटाइन, कार्बोनेटाइन में कितने टाइप के गुड़े बॉन्ड्स होते हैं, 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप, और आप सबका आंसर था 1 टाइप, एकदम सही था, क्योंकि आप तो यदि पढ़ने वाले हो तो आंसर सही दोगे, है ना। अच्छा इसका रीजन क्या था, एक ही टाइप के बॉन्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है, हम इसके रिस्पेक्ट में नहीं बताते, अगर आप इसके रिस्पेक्ट बताओगे तो आप बोलोगे दो टाइप के बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हमें बताना है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रोड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर के रोड। तो यहाँ आपने देखा क्या, चाहे आप फर्स्ट ऑक्सीजन कार्बन पकड़ो, चाहे सेकंड ऑक्सीजन कार्बन पकड़ो, चाहे थर्ड ऑक्सीजन कार्बन, कितना बॉन्ड आ रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड और डॉटेड बॉन्ड, मतलब एक ही टाइप का बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सभी के अंदर क्या है एक ही टाइप का बॉन्ड मिलेगा, क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद की वजह से आयन में एक ही प्रकार का बॉन्ड मिलता है, तो आंसर कितना आ गया 1, आपका ये क्वेश्चन भी एकदम सही था। नेक्स्ट वीडियो बात करें, आपने पूछा कि इसका हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन अपन हमें कहां से निकालते हैं, गुड़े बात करें सिग्मा बॉन्ड से, तो आप एक स्ट्रक्चर को बनाया था आपने, उसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई को कभी काउंट नहीं करते, क्योंकि पाई देखो घूम रहा है, अगर मैं पाई को काउंट करूं, अभी देखो फर्स्ट के पास है, जब तक फर्स्ट के पास गया तब तक सेकंड पर लुढ़क गया, सेकंड तक जब तक घूर गया तब तक थर्ड पर लुढ़क गया, इसका मतलब वो एक जगह फिक्स है ही नहीं, तो जो बॉन्ड फिक्स है उसी को काउंट करते सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन बेटे 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 2, तो कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और 6 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए 3, एक एस का और 2 पी के, आप यह ऐसा काउंट करो, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए, स्टार्ट कहां से करते अपन एस से, एस के बाद कहां चले जाओ बेटा पी में, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में भर दिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन गुड़े सिग्मा वाले पी में भर दो P1 में, और फिर गुड़े बात करें 2 इलेक्ट्रॉन किसे भर दो P2 में, इसका मतलब एक एस का यूज किया 2 पी के, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp2। अब sp2 अगर आ गया बेटा बात करें तो इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना आएगा 120, कैसे गुड़े बात करें, क्योंकि अगर ये टोटल बेटा बात करें हमारे पास जो आपके पास फ्री स्पेस है वो कितना है 360 डिग्री का होता है, कार्बन सेंट्रल एटम सेंटर में आ गया, बाकी गुड़े ऑक्सीजन को बेटा बात कर लिखना है, तो ऑक्सीजन कहां पर आएगा बैलेंस एटम है गुड़े बात कर दूर की तरफ जाएगा, लेकिन एक बॉन्ड में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा बॉन्ड की बात करें एक दूसरे से दूर रहते हैं, क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ऐसे इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ऐसे इसके बेटा बात इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो ये इसको रिपेल करेगा ये इसको रिपेल करेगा, ऐसे इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो हमेशा बॉन्ड एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है रिपल्सन होता है, तो ये मोस्ट ऑफ जितने दूर पर रहेंगे उतना ही रिपल्सन क्या होगा कम होगा, आपको पता है फोर्स का दूरी के साथ क्या रिलेशन है इनवर्स रिलेशन होता है, याद है ना अपन ने पढ़ा था कूलम्स लॉ, अगर दूरी ज्यादा तो फोर्स क्या लगेगा उनके बीच में कम लगेगा, अगर ये ज्यादा दूर रहेंगे तो इनके बीच में रिपल्सन कम लगेगा, इसलिए दूर रहते हैं, और टोटल 360 डिग्री का एंगल था तो 3 जगह बांट दो 120 120 और 120, कैसे था 3 बेटा बात में टोटल स्पेस था 360 का और 3 गुड़े बॉन्ड बनाने थे तो 3 का भाग लगा दो कितना आ रहा है 120 आ रहा है, तो बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। स्ट्रक्चर दीदी बात करें कैसा आ रहा है, अगर बेटा इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से जोड़ा जाए इस ऑक्सीजन से जोड़ा जाए इस ऑक्सीजन से जोड़ा जाए तो स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है ट्राइगोनल आ रहा है, कैसा है ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन में है कार्बन जो सेंटर में है ऑक्सीजन जो बेटा बात करें पेरिफेरी पर है बाहर की तरफ है, ये चारों आइटम एक ही प्लेन में है कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मैंने कहा कार्बन ऑक्सीजन 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 तीनों को जोड़ो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को, तो आपको क्या मिलेगा ट्राइंगल स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इसका गुड़िया। नेक्स्ट ऑक्सीजन स्टेट भी निकाल सकते थे,
ऑक्सीजन स्टेट निकालते गुड़िया बात करें तो किससे भी निकाल लो, जैसे कार्बन ने बेटा बात करें एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया जो ऑक्सीजन निगेटिव है, तो निगेटिव एटम याद है क्या करता है, लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम का इलेक्ट्रॉन ले जाता है, एक बेटा इसका इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाएगा तो एक की कमी प्लस वन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया ऑक्सीजन निगेटिव इसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो कार्बन का, तो कार्बन के ऊपर एक की फिर कमी आएगी प्लस वन आ गया, इस कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन बेटा बात किस ऑक्सीजन से शेयर किया तो ऑक्सीजन निगेटिव है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है ऑक्सीजन तो बेचारे कार्बन के पास दो की कमी फिर आएगी, टोटल चार इलेक्ट्रॉन चले गए तो चार्ज कितना है प्लस फोर, मतलब ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रहा है प्लस फोर आ रहा है। कुछ भी नहीं करना होता गुरु बात करें, पढ़ाई मतलब दुनिया का सबसे सरल काम, अगर थोड़ा सा हम इंटरेस्ट के साथ खेल जाए ना तो कभी गुरु द्वारा रटने की जरूरत हमें पड़ती नहीं और ना ही कभी हमें समझने की जरूरत पड़ती, एक बार बस समझ लो आप ठीक है फिर तो सब सिंपल खेल है, मतलब आपको ऐसा लगेगा मैं आपको एक चीज बताऊंगा बोलोगे मुझे चार एग्जाम्पल करने ठीक है, ये वाली कंडीशन है बेटा बात करें, तो लास्ट में आपसे अगर कभी वो पूछेगा कि कार्बोनेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आप बोलो sp2, स्ट्रक्चर क्या है ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय समतली, पूरे बॉन्ड एंगल क्या आ रहा है बंध कोण 120 डिग्री, और ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रहा है प्लस फोर, क्या आ रहा है बेटा बात करें प्लस फोर, क्या पूछेगा वो कार्बोनेट का आपसे यही पूछेगा, कार्बोनेट का पूरे बात कर ये पूछ सकता है हाउ मेनी रेजोनेंट स्ट्रक्चर, आपको सिंपल बता दिया जितना ऑक्सीजन है वो उसके पूरे बात करके रेजोनेंट स्ट्रक्चर 3R, कोई पूछेगा बेटा बात कर बॉन्ड ऑर्डर कितना है सिंपल बताया, कार्बन की पूरे बात करें जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है 4/3 कर दो, समझ पा रहे फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन के, कार्बन का एटम नंबर 6 है 6 में से 2 हटाओ कितने बचे 4, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ गया बाय बेटा बात करें क्या ऑक्सीजन के एटम का नंबर कर दो, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 4 थे 4/3 करो कितना आ रहा है 1.33, अलग से करने की जरूरत नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या 1.3, फॉर्मल चार्ज चाहिए जितना नेगेटिव है बेटा वो नेगेटिव अपॉन क्या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब नेगेटिव एटम, तो जो जितना नेगेटिव होगा उस हर नेगेटिव में बटेगा, अगर -2 है और 3 एटम है तो 3 जगह बांट दो -2/3 करो, अगर -1 होता और गुड़े 3 ऑक्सीजन होते तो हम 3 जगह फिर उसको बांटते, जितना भी नेगेटिव है बटना उनको भी बात करें कहां पर है नेगेटिव एटम में, कार्बन को मिलेगा नहीं आपको पता ऑक्सीजन के होते हुए क्योंकि नेगेटिव जाएगा तो कहां जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही जाएगा, तो मिलना गुड़े बात करें किसको ऑक्सीजन को है, नेगेटिव कितना था -2 था और बटना कितनी है 3 जगह है -2/3 करो कितना आ रहा है मतलब -0.66 आ रहा है, सीधी सी बात है उसको दीदी बात करें यहां हिसाब किताब लगा के लिख दो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ जाता है कोई जरूरत का काम ही नहीं, तो फॉर्मल चार्ज आ गया हाउ मेनी स्ट्रक्चर गुड़े बात करें अगर देखा है आपने तो स्ट्रक्चर बना लो पाई कौन दीदी बात कर लगातार घूमता रहता है, इसका मतलब जितना बेटा बात करें बॉन्ड ऑर्डर यहां पर कोई यहां कोई यहां, अभी आपको इसमें जो दिख रहा है डबल है लेकिन रियल में वो डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो 3 जगह बटेगा, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड मेरे खुद के रहते हैं सिंगल सिंगल लेकिन बेटा पाई बॉन्ड को तुम बांट दो तो वो 3 जगह बटेगा, तो एक हिस्से में कितना आएगा 0.33 और आ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड तो मेरा है और 0.33 और आ रहा है तो इसलिए अपन ने क्या लिखा 1.33, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है सीधी सी बात है जब वो बॉन्ड ऑर्डर लिखता है तो मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी छोटी सी, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बेटा बात करें टू एटम इन गुड़े बात करें ऑल गुड़े बात कर रहे हैं नो मॉलिक्यूल, किसी भी आयन को पकड़ लो आप उसमें गुड़े बात करें किन्हीं भी दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स का नंबर बताओ कितना आ रहा है, एक तो सिंगल बॉन्ड है तो वन बॉन्ड तो वो आ गया और गुड़े जो एक पाई बॉन्ड था वो 3 जगह बैठा तो एक किस्से में कितना आ रहा है 0.33, मतलब टोटल कितना हो गया 1.33, आया समझ में कि नहीं आया, ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। अब जैसे गुड़े बात कर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन दे रखा था कि बेटा बात कर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉस्फेट का, आप मुझे फॉस्फेट के बारे में जानकारी दो, फॉस्फेट की गुड़े बात करके आपसे स्ट्रक्चर पूछूं आपको कुछ करना ही नहीं है, मैं आपको पूरा बता दूंगा पर पहले शॉर्ट में बताता हूँ कितना सिंपल तरीका है, बताओ आपको पता है ना बेटा नाइट्रोजन के नीचे का गुड़े फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस कहाँ है नाइट्रोजन के नीचे का, तो अगर फॉस्फोरस दे रखा हो तो फॉस्फोरस के बारे में नहीं पता, नाइट्रोजन के बारे में पता है ना आपको, तो नाइट्रोजन का ही तो बड़ा भाई फॉस्फोरस है, एक ग्रुप में क्यों रखा ना फॉस्फोरस को, क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी सब एक जैसी प्रॉपर्टीज करते हैं, अगर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो फिर फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 ही हो रहे, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि बताओ मुझे आप फॉस्फेट का मुझे आपसे क्या चाहिए, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, क्या चाहिए बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा गुड़े बात करें पहले आप ये मुझे बता दो कि फॉस्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी बोलो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ रहे हैं, वेरी गुड ठीक है, तो अपन बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, याद है बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 5y कितने बेटा बात करें बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है कितने ऑक्सीजन एटम 4, 5/4 करो कितना आ रहा है 1.33 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.33 कि 1.22 पक्का बिल्कुल 1.25 आएगा, क्योंकि गुड़े बात करें 4 का भाग लगाएंगे 5 में तो कितने बार जाएगा एक बार, फिर बचेगा एक, एक में बेटा बात करें जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाओगे पॉइंट लग जाएगा, 4 × 2 = 8 दो बार बेटा गया, अब 8 में से बेटा बात कितने बचे 2, 1 0 बढ़ाओ 4 × 5 = 20 मतलब 1.25, तो ये तो बेटा बात करें क्या आ गया बॉन्ड ऑर्डर, क्या अपन को स्ट्रक्चर बनाने पड़े इसके,
नहीं नहीं आप बोलो कि मुझे तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर भी चाहिए, मेरी तो पहली ख्वाहिश ही है कि मुझे इसके क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर। तो बताओ गुड़िया कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर होंगे, आपसे क्या बताते हैं कितने ऑक्सीजन एटम है, चार ऑक्सीजन एटम है, तो इसका मतलब चार बनेंगे, कितने बनेंगे, चार ऑक्सीजन एटम है कि पांच है, तो कितने बनने हैं, चार बनने, लो बन गए दीदी बात करें, चार रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन गए, समझ में आ रहा है कि यार इसमें कितने ऑप्शन थे, थ्री थ्री गुड़े रेजोनेंट स्ट्रक्चर थे, इसमें कितने आ रहे, चार चार बनेंगे। आप क्वेश्चन देख के शूट कर दोगे। फिर आपने कहा मुझे फॉर्मल चार्ज चाहिए, फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है, फॉर्मल चार्ज का मतलब है एक, देखो नेगेटिव जो है, अब नेगेटिव यहां पर एटम कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, फॉस्फेट में फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, नेगेटिव कौन है, मोर नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन की फॉस्फोरस, उठा के देखो जो राइट में होता है वो ज्यादा नेगेटिव होता है, फॉस्फोरस लेफ्ट में ऑक्सीजन राइट में, तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव किस पर जाएगा, नेगेटिव इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो अधिक ऋणात्मक परमाणु पर ज्यादा स्थायी होता है। तो अगर बेटे बात करें इसमें माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री गुड़े बात करें फॉस्फोरस को तो मिलने वाला नहीं, मिलेगा किसको, ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को कि चारों को, चारों को, क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन दीदी ले रहे तो दूसरा ऑक्सीजन बोलेगा मैं भी तो बड़ा ऑक्सीजन ही तो हूँ, मैं भी तुम्हारे बराबर नेगेटिव हूँ तो मुझे भी चाहिए, तो ऐसे चारों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही है ना, तो इसका मतलब वो माइनस तीन है, लेकिन बटने कितनी जगह है, चार जगह है, तो बट दो, टोटल चार्ज कितना बेटे बात करें, माइनस तीन, पर दीदी बात कर लेने वाले कितने हैं, चार, तो चार जगह बांटो, मतलब माइनस थ्री बाई फोर करोगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस जीरो पॉइंट गुड़े बात करें कितना, सेवन फाइव आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, कैसे भाग लिया, अगर गुड़े बात करी छोटा एक जीरो बढ़ाओ पॉइंट लग जाएगा, चार सत्ते अट्ठाईस, दो बचे चार पंचे बीस, मतलब गुड़े बात करें माइनस जीरो पॉइंट सेवन फाइव, ये क्या है बेटा बात करें, ये फॉर्मल चार्ज है, या तो बोलो माइनस का थ्री पॉइंट फोर, मतलब थ्री बाई फोर, या बोल सकते कितना, माइनस का गुड़े बात करें कितना, जीरो पॉइंट सेवन फाइव, ठीक है फॉर्मल चार्ज आ गया। अब अगर आपको चाहिए कि नहीं नहीं अभी मुझे क्या चाहिए बेटा बात करें, और अच्छा इसमें कितने टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे गुड़े बात करें, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया रेजोनेंस इसमें अंदर क्या है, मतलब गुड़े बात करें सोचो ऑक्सीजन चार है, ओ नेगेटिव तीन है, मतलब अगर मैं एक समय पर अगर एक एक नेगेटिव किसी को दूं, क्योंकि चार्ज गुड़े बात करें कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आता, चार्ज अभी होल नंबर में होता है, इलेक्ट्रॉन के होल नंबर में होता है, तो तीन नेगेटिव है, तो आपको पता है एक स्ट्रक्चर में तीन को मिलेगा, एक बेचारा खाली बच जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर अगर मैं बना के दिखाऊंगा आपको इसका तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा बेटा, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं, ऐसी फॉस्फोरस है कि नहीं है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के आउटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, फाइव इलेक्ट्रॉन है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे इसको बनाना सिखाया था, कितने ऑक्सीजन है बेटा जल्दी बोलो, सर चार ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन को दीदी ले लो, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बताओ जरा मुझे, एक ऑक्सीजन बनाता है बेटा बात करें टू बॉन्ड, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिक्स, लेकिन नेगेटिव भी तो है, तो नेगेटिव तीन ऑक्सीजन को दे दो, किसको दे रहे हैं, मैं एक इसको नेगेटिव दे रहा हूं, एक इसको नेगेटिव दे रहा हूं, एक इसको नेगेटिव दे रहा हूं, इसका मतलब अब अगर नेगेटिव दिया आपने तो याद है छह नहीं है, एक नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे तो कितने हो गए, सात हो गए, अगर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में सात इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितने बॉन्ड बनाएगा, एक ही, तो इसने एक बॉन्ड बनाया, ऐसे इसके पास भी कितने थे, छह थे, पर एक नेगेटिव लिया मतलब एक आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया इसको तो सात हो गए, एक बॉन्ड की जरूरत है इसको, क्योंकि सात हो गए तो आठ करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, आपने क्या कहा था, कोई एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट का मतलब आठ इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में, और दीदी बात करें ऑक्सीजन के आउटर में पहले से छह थे, एक आपने इसको दे दिया तो सात हो गए, तो एक की जरूरत है, एक बॉन्ड बना लिया इसने, ठीक है, ऐसे इसके पास बेटा बात, ये भी कितना बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, पर जिस ऑक्सीजन की बेटा बात करें पास नेगेटिव नहीं है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, छह ही थे, तो उसके दो की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या बना दो, डबल बॉन्ड बना दो, बस बन गया स्ट्रक्चर आपका, मतलब जो ऑक्सीजन बेटा बात कर नेगेटिव नहीं लेता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, और जिनके ऊपर बेटा नेगेटिव आ जाता है वो क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, ये बुरे बात कर आपका क्या बन गया, ये बन गया बेटा आपका फॉस्फेट आयन, बस बना लो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाना इतना सिंपल है हद से ज्यादा, बस आपको थोड़े से बुरे बात कर पता समझ हो, किसकी समझ हो, इस चीज की, कि कोई एलिमेंट तब स्टेबल है जब उसका ऑक्टेट पूरा होता है, ऑक्टेट मतलब उसको आठ इलेक्ट्रॉन रखने, आठ इलेक्ट्रॉन के लिए गुड़े बात कर उसको कितने चाहिए ये तो भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये पता करने के लिए बस एक चीज देखना है कि आपका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर में से दो कम कर दो तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, क्या पकड़ लो बैलेंस, जैसे आपको पता है फॉस्फोरस का छोटा भाई कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के आउटर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेवन, सेवन की फाइव, फाइव सेवन तो उसका एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, सेवन, लेकिन उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, फाइव, आपसे बोलो दो कम करो, नाइट्रोजन में अपन जब सेवन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कैसे भरते हैं, फर्स्ट एस टू, पहले सेल में दो है और आउटर मोस्ट टू एस टू, टू पी थ्री, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने आएंगे बेटा, भर के देखो ना अपना नाइट्रोजन का, मेरी बातों को क्यों देख रहे हो, सेवन एटॉमिक नंबर है, भरो जरा,
फर्स्ट एस टू, फिर टू एस टू, फिर टू पी बेटा बात करें थ्री, आउट ऑफ शेल तो सेकंड है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो तीन पाँच, जबकि आठ करने के लिए कितने चाहिए, इसको तीन और चाहिए, तो तीन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जो बुरे नाइट्रोजन शो करता है वही कौन करेगा, फॉस्फोरस, ठीक है, वही कौन करेगा, आर्सेनिक, अगर ये एक जैसी प्रॉपर्टी कहती है इसलिए तो इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, बस समझ में आ रहा है। तो आप ये देखो बेटा कि ये पांच बॉन्ड बनाएगा, पर ऑक्सीजन की बात याद रख लेना, जितने नेगेटिव हैं उतने नेगेटिव को पहले एक एक जगह बांट दो आप। ये जो बना एक स्ट्रक्चर, ये एक फॉस्फेट है, ये एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप बोलो कि मुझे तो हाइब्रिड बनाना है, इसका हाइब्रिड बना के दिखाओ, सिंपल सी बात है। अच्छा पहले आप मुझे ये बताओ इसके कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने बनेंगे, चार बनेंगे, क्योंकि एक बार नेगेटिव डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, दूसरी बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तीसरी बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, चौथी बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, क्योंकि अगली बार फिर यही आ जाएगा तो फिर तो वही रिपीट हो गया। समझे कि नहीं समझे, इसलिए आपसे सिंपल बोला है कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर काउंट करना है तो क्या काउंट कर लो, कितने ऑक्सीजन है, क्योंकि हर बार एक ऑक्सीजन को डबल मिलना है, डबल 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 डबल, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने आ रहे बेटा, फोर। अब कोई आपसे पूछे मुझे तो हाइब्रिड चाहिए, क्या चाहिए बेटा बात करें, हाइब्रिड स्ट्रक्चर चाहिए, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर उठा लो, फॉस्फोरस को दीदी वैसे का वैसा ही रखो। आपको पता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड तो कभी घूमता नहीं है, तो चारों ऑक्सीजन को पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्या करो बेटा, जोड़ दो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्टेबल होता है, कैसा होता है, लोकलाइज होता है, वो घूमता नहीं है, मतलब स्थानीयकृत होता है। एक बेटा बात करें बॉन्ड था पाई बॉन्ड, अब एक बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, मतलब वो चार जगह जाएगा, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, सोचो बुढ़िया एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/4। एक बेटा बात करें हमारे पास पाई बॉन्ड है, उसको चार जगह बटना है, तो कितना करो, चार का भाग लगाओ तो एक हिस्से में कितना आ रहा है, 0.25 आ रहा है, एक रुपया है, चार जगह बटना है, चार भाइयों में बांटना है, कितने एक किस्से में जाएगा, 0.25 या 25 पैसे, समझे नहीं समझे, तो बस बुरे बात का 0.25 और लिख दो, 0.25 जल्दी बोलो, 0.25 आगे बुढ़िया, बस हो गया काम। मतलब आप देखो पाई बॉन्ड को मैंने किसी एक को नहीं दिया, चारों जगह बांट दिया, 0.25 मतलब आप ये देखो कि अब यहाँ पर इस फॉस्फोरस और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, इन गुड़े बात कर किसी भी इन एनी आयन और मॉलिक्यूल। आप इस ऑक्सीजन को देखो, इस फॉस्फोरस को देखो, एक बॉन्ड तो ये सर और 0.25 ये, मतलब 1.25। आप बोलो नहीं नहीं मुझे इस, ये फर्स्ट ऑक्सीजन आपने माना, ये सेकंड ऑक्सीजन, आप कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे तो थर्ड के बीच में निकालना, तभी निकाल लो 1 और 0.25। आप बोलो नहीं मैं फोर्थ ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में निकालना चाहता हूँ, तभी निकालो 1 और 0.25, मतलब 1.25 हमेशा बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अच्छा तो क्या बन गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर, बन गया नहीं बना, अभी थोड़ी बना, अभी चार्ज भी तो बांटना है, चार्ज कितना था पूरे टोटल, -3 था, पर बांटना कितनी जगह है, 4 जगह है, समझ पा रहे हो, चार जगह बटेगा तो कितना आएगा बेटा, 3 माइनस है और चार जगह बांटना है, कितना आएगा जल्दी बोल, माइनस का 0.75, अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो या तो लिखो बेटा चार्ज कितना आ रहा है, चार्ज आ रहा है इसका -3/4, ऐसे लिखो या सॉल्व करके लिखो, -0.75। आंसर तो बुढ़े दोनों ही सही है, अब पता नहीं वो आपको क्या लिख के देता है। इस स्ट्रक्चर को अपने बुढ़े बना लिया, ये कहलाता है बेटा बात करें कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्या कहलाता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि आप जब तक बुढ़े बात करें बनाते रहोगे ना, तब तक सामने वाला बुढ़े बात का क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाएगा। और मुझे मैन मेरा बेटे बात करें मोटिव 11th 12th पढ़ना नहीं है, मैन मेटा अपना कितना है, अपना जो मैन मोटिव वो नीट है ना, तो नीट में गुड़े बात करें 1 मिनट का टाइम मिलना है क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व करना है और फिल करके आगे वाले क्वेश्चन पे जंप भी करना है, तो 1 मिनट का टाइम तो बहुत कम है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो आपको एक से ज़्यादा मिनट का समय ले लेंगे, तो उनके लिए इसमें से समय बचाना भी है। मतलब ये क्वेश्चन कितने मिनट का है, अगर देखें 1 मिनट का कि 2 मिनट का, ये है गुड़े बात करें मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन। फॉस्फेट लिखा और क्वेश्चन अगर आया हाउ मेनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन काउंट करो, चार रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, समझ पा रहे, दिख ही रहा है ना। उसने पूछा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालना था, फॉस्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन बीटा बात करके नंबर ऑफ ऑक्सीजन 5/4 करो, कितना 1.25, फिनिश हो गया। इफेक्टिव चार्ज का भी पूछा, या दीदी बात कर फॉर्मल चार्ज पूछा, फॉर्मल चार्ज मतलब सीधी बात है, बुरे बात करें कितना चार्ज है, कितने ऑक्सीजन में बटना है, -3/4 करो, बुरे बात करें कितना आ गया, जल्दी बोलो, माइनस अगर 3/4 करो कितना आएगा, 0.75, ठीक है इतना सा आ गया। अब वो पूछता है कितने प्रकार की यहाँ पर बेटा बात करें बॉन्ड्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेटा बात करें बॉन्ड्स आर प्रेजेंट या इज प्रेजेंट इन बेटा बात करें फॉस्फेट, मतलब ऑक्सीजन फॉस्फोरस के बीच में कितने प्रकार के बॉन्ड है। अगर आप ये बना के आए तो आपको दो टाइप के बॉन्ड दिखेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कि सर
डबल बी और सिंगल बी, तो दो टाइप का लगा दिया होगा और क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। कभी इसको देख के नहीं बोलना, आपको हाइब्रिड को देख के बोलना होता है। तो आप उठा के देखो, किसी भी ऑप्शन को पकड़ लो, एक ही टाइप का बॉन्ड है, 1.25 मतलब सिंगल बॉन्ड और डॉटेड बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डॉटेड बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डॉटेड बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डॉटेड बॉन्ड, मतलब एक ही प्रकार का बॉन्ड है। वही क्यों आया, क्योंकि पाई बॉन्ड लगातार घूम रहा है और पाई बॉन्ड के घूमने को अपन बोलते रेजोनेंस। क्या बोलते बेटा? रेजोनेंस, मतलब पाई बॉन्ड किसी एक का नहीं है, तुम्हारा भी है तो उनका भी, उनका भी तो उनका भी, और लगातार घूमता रहता है। इसका मतलब बेटा बात कर, हाउ मेनी टाइप्स अगर बॉन्ड पूछे तो अपन क्या बोलेंगे? ओनली, पूरा बात कर, पता है, सिंगल टाइप, मतलब वन टाइप बॉन्ड, केवल एक ही प्रकार का बेटा बॉन्ड है यहाँ पर, ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड। पूरे बात कर रहे हैं, क्या है? इस प्रेजेंट, इस प्रेजेंट कहां पे? इन फॉस्फेट PO4-3। अच्छा, केवल एक प्रकार का क्यों बॉन्ड है? यहां तो मुझे दो दिख रहे हैं। अरे रेजोनेंस की वजह से घूम रहा है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, तो इसका कारण क्या है? पूरे बताओ, आपने जो लिखा ओनली वन टाइम, रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, ड्यू टू रेजोनेंस। क्या रीजन है? ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद की वजह से। बुरे बात करें, सभी स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, रेजोनेंस, अनुनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे क्या बताओ, ये बताओ बेटा बात, किसका ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रहा है, ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रहा है? अगर फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाए, एक ये ले जाए, एक ये ले जाए और दो इसके साथ शेयर किए, तो पांच इलेक्ट्रॉन। पूरे बात करें, सोचो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर किया, फॉस्फोरस ज्यादा नेगेटिव है कि ऑक्सीजन, तो ज्यादा नेगेटिव क्या करेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। यही तो हो रहा है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है? देखो इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, राइट वाले के, तो राइट वाले पे नेगेटिव, लेफ्ट वाले पर पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक ये ले जाएगा प्लस वन, एक ये ले जाएगा प्लस टू, एक ये ले जाएगा प्लस, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, सो प्लस आएगा, तो बोले प्लस थ्री। अगर दो इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले गए तो पांच प्लस पांच आ गया, मतलब ऑक्सीजन स्टेट क्या बोली आपने? प्लस फाइव। देखने की जरूरत ही कहां है, समझे क्या? फिर वो पूछ रहा है आपने जो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन मतलब टोटल बेटा बात करें कितने बेटा बात करें इसके अंदर, जैसे बोलो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन मतलब नंबर ऑफ बेटा बात करें ऑर्बिटल्स, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने ऑर्बिटल आपने यूज किए? वन सिग्मा, टू सिग्मा, थ्री सिग्मा, फोर सिग्मा, क्योंकि तो पाई है। एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एस ऑर्बिटल, पी वन, पी टू, पी थ्री और पी फोर है कि नहीं? पहली बात तो पी फोर होता नहीं, और दूसरी बात पाई को काउंट करते नहीं, तो अगर ये सिग्मा होता तो अपन डी में गूंज जाते, तो अपन क्या बोलेंगे? एस पी वन पी टू पी थ्री, क्या हाइब्रिडाइजेशन? एस पी थ्री, क्या रहा है? तो अगर बेटा हाइब्रिडाइजेशन कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? एस पी थ्री, और एस पी थ्री के बाद स्ट्रक्चर कैसा होता है, याद है बेटा? टेट्राहेड्रल, कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो स्ट्रक्चर होता है बेटा बात करें टेट्राहेड्रल, मतलब चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना आता है? क्या बात है, पढ़े थे ना अपन ने, 109°28' 109°28' बेटा बॉन्ड एंगल होता है। ये अपन जब अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे एक बार और, तो अपन आपको इसको बहुत डिटेल में बताएंगे, ठीक है? तो बॉन्ड एंगल बेटा बात करें 109°28' तब होता है जब स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तब होता है जब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाए? sp3 आए, समझे क्या? आप ऐसे काउंट को ले करो, s में दो इलेक्ट्रॉन गए, p1 में दो आ गए, p2 में दो आ गए और p3 में दो आ गए, और बेटा बात करें बस बॉन्ड खत्म हो गए, तो ये आ गया ऑक्सीजन स्टेट आ गया। अच्छा, अब कुछ और बचा है क्या? नहीं बचा है ना, सब चीज तो यहाँ फिनिश कर दी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। अब अगर ऐसे ही वो क्वेश्चन आपको पूरे बात कर देता है कि आप मुझे इसके अंदर बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेटा बात करें बॉन्ड्स, बेटा बात करें हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, पूरे बात करें फॉर्मल चार्ज, इस तरीके से पूछता है। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें, देखो एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया, पर्क्लोरेटाइन, क्या कहना चाहूँ, वीडियो लंबा